दोस्तों, हम खुद को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आईने में देखकर तैयार होते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब आईने का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग कैसे अपने आप को देखते होंगे। आजकल आईना बहुत ही सुंदर है, लेकिन गाइस ऐसा आईना बनने में कितना समय लगा, आईने का ये सफ़र कितना लंबा था, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आईने का सफ़र आसान नहीं था, सालों लग गए ऐसा आईना बनने में। तो गाइस देखते हैं आईने का इतिहास, कैसे और किसने बनाया ये आईना। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल द नॉलेज नेटवर्क। गाइस सबसे पहला आईना तो कुदरत ने बनाया था। जी हाँ, सबसे पहले लोग अपने आप को देखने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे। लोग ठहरे हुए पानी में अपने आप को देखते थे। उसके बाद आज से तकरीबन 8000 साल पहले, तकरीबन 6000 BC में एनाटोलिया के लोगों ने ऑब्सीडियन नाम के पत्थर को पॉलिश करके आईने की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये वॉल्केनो से निकला हुआ एक पदार्थ था जो कि लोगों को आसानी से मिल जाता था। आपको बता दूं कि एनाटोलिया तुर्की का पुराना नाम था। उसके बाद तकरीबन 4000 BC में मेसोपोटामिया के लोग पॉलिश किए हुए कॉपर को आईने की तरह इस्तेमाल करने लगे। फिर 3000 BC में मिस्र के लोगों ने भी पॉलिश किए हुए कॉपर को आईने की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसमें अपने आप को देखते थे। उसके बाद 2000 BC में सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी पत्थर से बनाए हुए आईने को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2000 BC के आसपास इंडिया और चाइना में ब्रोंज और कॉपर को पॉलिश करके आईने की तरह इस्तेमाल करने लगे। 500 ईस्वी में चीन के लोग चांदी और पारे को गर्म करके धातु पर उसकी परत को चढ़ा देते और इसको आईने की तरह इस्तेमाल करते। लेकिन इन अलग अलग धातुओं से बने हुए आईने में मनुष्य अभी भी खुद को अच्छे से नहीं देख पाता था और ये आईने महंगे भी बहुत हुआ करते थे, जो कि गरीब लोगों की पहुँच से अभी भी काफ़ी दूर थे। उसके बाद 1835 में जर्मन केमिस्ट जस्टस वॉन लेबिग ने कांच का इस्तेमाल करके कांच के ऊपर चांदी की परत को चढ़ाकर आधुनिक आईने का आविष्कार किया, जिसे आजकल हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं और अभी ये इतना सस्ता है कि इसे हर कोई खरीद सकता है। तो गाइस, ये था आईने का सफ़र। ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल द नॉलेज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।